दूसरा रुख है नबी की जिंदगी का, वो मैं पहले से लेके आ रहा हूं, अच्छे अखलाक। अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। कितना शौक होता है बच्चियों जब शादी होती है कि मेरे घर की डेकोरेशन हो, ऐसा किचन हो, ऐसा डाइनिंग हो, ऐसा बेडरूम हो, ऐसा ऐसा ड्राइंग रूम हो। तो अपने घरों को अगर सजाना है तो बच्चों अच्छे अखलाक से सजाओ। देखो बेटी को रुख्सत करना आसान नहीं होता है। हमने दो बेटियां रुख्सत की हैं। आज तुम किसी की बेटी को घर लेके जा रहे हो, कुर्बानियां ये देती हैं, तुम तो इसको घर से निकाल के ले जा रहे हो। ये अपने माँ बाप को छोड़ती है, ये बहन भाइयों को छोड़ती है, ये अपनी सहेलियों को छोड़ती है, अपनी रूटीन छोड़ती है, और ससुराल की रूटीन में उसे सेट होने में वक्त लगता है। लेकिन चौथे दिन सासां दी इहदा तां दिल ही नहीं लगता पिया, ये तो मां नूं ही फोन कीती जांदी, मां नूं ही फोन कीती जांदी। अभी दो दिन पहले केस आया मेरे पास कि जी मुझे कहते हैं ये तो मां से ही बातें करती रहती है, जिसने जना है उसका कोई हक नहीं। बेटा बिल्कुल हक। तो आप इंडोनेशिया का कल्चर है कि बच्चे की शादी होकर बच्ची के घर जाते हैं, क्योंकि वहां लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि वहां मुकाबला होता रहता है, तो वहां बच्चे की रुख्सती होती है, यहां आप बच्चियों की रुख्सती होती है। जिसने घर छोड़ा, बहन भाई छोड़े, सहेलियां छोड़ी, वो कितनी बड़ी कुर्बानी करके पहुंची है, तुम जाते ही उसको ताने देना शुरू कर दो। तो बच्चों इस पे काबू रखो अगर घर आबाद करना है, क्योंकि हमारा वो क्या उस कहते हैं कंबाइन है, वो फैमिली जो एक सिस्टम है, तो उसमें मुसीबत पहले ये बहुत अच्छा था कि सब मिल के जिंदगी गुजारते थे प्यार से। अब ये अजाब बन गया है कि सास के ताने अलग। अभी दो दिन पहले एक बच्ची मेरे पास आई, लाहौर से बस पे चढ़ के वहाँ पहुँच गई, कह जी देखें ये मेरी 6 माह की बच्ची है, और मेरा खामंद कहता है तूने मेरी बहनों की भी खिदमत करनी है, मेरी माँ की भी करनी है, मेरे बाप की भी करनी है, मेरे भाइयों की भी करनी है, और मुझे बताएं मेरी 19 साल उम्र है और ये बच्ची मेरे कंधे पर है, मैं सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती हूँ, फिर भी रात को इतने ताने सुनती हूँ कि रो रो के सोती हूँ। मेरे बच्चों अगर आप जिंदगी में कोई खूबसूरती देखना चाहते हैं, अल्लाह की कसम गाड़ियों से नहीं, डिग्रियों से नहीं, ओहदों से नहीं, तुम्हारे अखलाक से। अपने अखलाक ऐसे बनाओ कि तुम्हारी बीवी तुम पे कुर्बान हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए झोलियाँ उठा के दो। हमारा इलाका जमींदार है माशाल्लाह, तो हमारे एक जमींदार दोस्त आए मुझसे मिलने, सुनो गौर से, बाप कह रहा है मौलाना साहब मेरा बेटा आग में जल रहा हो तो हम माँ बाप उसके लिए दुआ नहीं करेंगे कि अल्लाह इसको बचा ले, उसने हमें इतना जलाया है, इतना जलाया है कि हम कहते हैं ठीक है सड़ जा। ऐसे ना आप बच्चियों से कहता हूँ, आप पराए घर में जा रही हो, जगह बनाने में वक्त लगता है, और बोलने से वक्त जगह नहीं बनती, खामोश रहने से जगह बनती। औरत तो दास्तान ही सब्र की है, कहानी सब्र की है। बेटियों सब्र करना सीखो, और गाली का जवाब गाली से ना, ताने का जवाब ताने से ना दो, मुस्कुरा के जवाब दो। रब जुल जलाल की कसम उठा के कहते फरिश्ते भी तुम्हारे कदम चूमेंगे। ये अखलाक इतनी मार्केट, तुम तो पढ़ते रहते हो इकॉनमी, तो ये डिमांड सप्लाई में जब ऊपर नीचे होते हैं, जब डिमांड बढ़ जाए सप्लाई कम हो जाए तो कीमत बढ़ती कि नहीं बढ़ती, तो सौखा जाए कानून है। ऐसे ही मेरे रब की बारगाह में डिमांड एंड सप्लाई का कानून है, पूरी दुनिया का हर मर्द औरत मुस्लिम नॉन मुस्लिम अच्छे अखलाक का तलबगार है कि मेरे साथ अच्छी डील की जाए, अच्छा बोला जाए। और सप्लाई है ही कोई नहीं, कोई मीठे बोल वाला मिलता ही नहीं, कोई दरगुजर करने वाला मिलता ही नहीं। एक बच्चे ने अपनी सास से माफी मांगी, कोई बीवी के साथ झगड़ा हुआ तो सास से माफी मांगी, तो उस बच्चे की माँ अपने बेटे पर क्या कह रही, इतना बेगैरत हो गए हैं, सास को लो माफी मांगी है तो इतना बेगैरत हो गए हैं, जब माएं ये सबक दें तो फिर क्या होगा।
तो बच्चे बच्ची हो, मैं बहुत थका हुआ आया था, मैं रास्ते में इनसे कह रहा था दुआ करना कुछ अल्लाह कहलवा दे, थकावट मेरी हड्डियों में उतर गई। तो तुम्हारी बरकत से कुछ मैंने घंटा सवा घंटा बात कर ली है। मेरी सारी बात का खुलासा है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे मर्द बनो, अच्छी औरत बनो, और उसके लिए किरदार बनाओ, किरदार किरदार बनाओ। मगरिब की अंधी चाल न चलो। मैं कि वैसे ही मिसाल आ गई, मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है, तुम कैसे तुलू हो? सूरज कहाँ डूबता है? मगरिब में जाकर डूबता है। वो डूबने की जगह है, उभरने की जगह मशरिक है, जिसकी तहजीब आप चले जाओ हमारे इधर थर पार कर, वहाँ सब हिंदू रहते हैं। आप देखोगे हिंदू औरत का नकाब यहाँ तक होगा, चूँकि वो पानी भरने जाती हैं, बाहर जाती हैं और अपनी मजदूरी भी करती हैं, तो उनका नकाब ए यहाँ तक गया। हालांकि वो तो हिंदू है, ये हमारी मशरिक की तहजीब है। तो आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लो। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जवान हो, सुलह कर लो। वालदैन जिंदा हैं, उनकी दुआ लो। शादी हो जाए, अच्छे अखलाक से बीवी का दिल ले लो। औलाद हो जाए तो औलाद को इज्जत